हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान मंजी विद्यापीठ महुआ ऑनलाइन एजुकेशन। आई अभय व्यास इज टुडे गोइंग टू रिज्यूम अवर कंप्यूटर सब्जेक्ट विथ द पॉइंट दैट इज मेमोरी। एट लास्ट वी हैव सीन द प्राइमरी मेमोरी, राइट? वी हैव सीन द रैम रोम एंड डेटा प्रेजेंटेशन इन मेमोरी, राइट? ये सभी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मेमरी। नाउ प्राइमरी मेमरी इज नॉन एज मेन मेमरी बट इट कैन स्टोर डेटा टेम्पररीली, बट द सेकेंडरी स्टोरेज विल स्टोर अवर डेटा परमानेंटली एंड यू कैन स्टोर द बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सेकेंडरी मेमरी परमानेंटली, राइट? परमानेंटली जब भी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करने की बात आती है तो एट दैट टाइम वी कैन स्टोर द परमानेंट डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी, राइट? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होते हैं हमेशा के लिए। अगर फ्यूचर में हमें किसी भी डेटा को एक्सेस करना हो तो वी कैन स्टोर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंडरी मेमोरी, राइट? सो सेकेंडरी मेमोरी इज मेनली डिवाइडेड इंटू टू टाइप, दैट इज फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। जो ये फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क है वो मेनली मेमोरी कंप्यूटर के अंदर यूज होती है। ये दोनों मेमोरी जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज होती है। बट राइट नाउ वी हैव स्पेसिफिक टू डिवाइसेस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टू मेमोरी, दैट इज सीडी रोम एंड डीवीडी। दिस इज अ वेरी स्मॉल इन साइज मेमोरी बट दिस काइंड ऑफ मेमोरी कैन स्टोर डेटा अप टू जीबी, राइट? जीबी तक का डेटा ये मेमोरी जो है वो स्टोर करती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीडी रोम, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एंड डीवीडी, दैट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज सीडी रोम। नाउ सीडी रोम स्टैंड फॉर, द फुल फॉर्म इज गिवन ओवर हियर, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, राइट? This disk is silver colored disk and this kind of disk which is used to record the music. Mainly it can store the audio information, right? Audio जो data होता है, जो भी song का data होता है, वो data compact disk read only memory के अंदर store होता है। This memory is measured by its size. उसकी size जो है वो basically 4.75 inch की ये जो है वो होती है, इसका ये डायामीटर है। और दिस काइंड ऑफ मेमोरी जो है उसका मेजरमेंट इंच से होता है, राइट? सो बेसिकली दिस इज द स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ सीडी रोम। सीडी रोम कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, ग्राफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन, वीडियो बेस्ड एंड साउंड बेस्ड। इट इज नॉट ओनली स्टोर द साउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन, ये जो है साउंड की इंफॉर्मेशन तो स्टोर करता ही है, उसके साथ यू कैन सेव टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन जो भी लिखा हुआ होता है वो, ग्राफिक्स बेस्ड जो भी इमेजेस फोटोज वो सब, वीडियो भी ये स्टोर करता है और साउंड की इंफॉर्मेशन भी ये स्टोर करता है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडी रोम। सीडी रोम के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले बेसिकली दिस इज द सीडी रोम यू कैन सी इन दिस इमेज। बट ये सीडी रोम जो होती है ना, उसको कंप्यूटर के अंदर चलाने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है सीडी रोम ड्राइव। सो यू कैन सी इन फिगर नंबर 1.7, दिस इज सीडी रोम ड्राइव विच इज अवेलेबल इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर ये सीडी रोम ड्राइव अवेलेबल होता है। वेन यू क्लिक ऑन दिस बटन इट विल ओपन द स्पेसिफिक प्लेस वेयर यू कैन पुट दिस सीडी। इस सीडी को इसके अंदर पुट करने के लिए यू विल हैव टू क्लिक ऑन द बटन सो दैट इट विल ओपन इट्स स्पेसिफिक प्लेस। उसके अंदर आपको सीडी जो है वो इंसर्ट करनी होती है। बेसिकली सीडी रोम ड्राइव्स आर अवेलेबल इन स्पेसिफिकेशन सच एज 32x, 48x, 52x। ये जो है उसकी थ्री डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। उसके अंदर इस एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब जो है वो डेटा ट्रांसफर रेट, के कितना डेटा ट्रांसफर ये पर सेकेंड कर सकती है, दैट इज एक्स। नाउ 32x, 48x एंड 52x, दिस इज द स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन ऑफ सीडी रोम ड्राइव। ये जो आप ड्राइव देख रहे हैं ना, उसका स्पेसिफिकेशन है, ये तीन टाइप में डिवाइडेड है।
उसके एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है. फॉर एग्जांपल इन अ 1x सीडी रोम द डेटा ट्रांसफर रेट इज 150 किलोबाइट पर सेकंड. राइट, दिस इज केबीपीएस. फुल फॉर्म ऑफ केबीपीएस इज किलोबाइट पर सेकंड. दैट मींस 1x सीडी रोम अगर होगी ना आपके पास, तो वो कितना डेटा एक सेकंड में ट्रांसफर कर पाएगी? 150 KB. राइट, 150 किलोबाइट पर सेकंड डेटा ट्रांसफर कर पाएगी, जिसे आप एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसका नाम है 0.146 मेगाबाइट पर सेकंड. दिस बोथ आर सेम. आइदर यू कैन से 150 किलोबाइट पर सेकंड और यू कैन से 0.146 मेगाबाइट पर सेकंड. तो आपको जो है वो याद ये रखना है कि सीडी रोम ड्राइव जो है उसके स्पेसिफिकेशन तीन टाइप में डिवाइडेड है, 32x, 48x और 52x. यहाँ x क्या रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट द ट्रांसफर रेट. उसका ट्रांसफर रेट कितने स्पीड में उसके अंदर डेटा रीड कर सकता है और कितने स्पीड में उसके अंदर डेटा राइट हो सकते हैं. तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि 1x सीडी रोम अगर आपके पास है तो वो कितना डेटा ट्रांसफर रेट आपको देगी? 150 किलोबाइट पर सेकंड ट्रांसफर रेट देगी, जिसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 0.146 Mbps. आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं. KBPS का फुल फॉर्म है किलोबाइट पर सेकंड, Mbps का फुल फॉर्म है मेगाबाइट पर सेकंड. राइट, नाउ बेसिकली सीडी रोम जो है वो काफी सीडी जो होती है, ये जो सीडी डिवाइस आप देख रहे हो, सीडी रोम डिवाइस, वो काफी कॉस्ट में सस्ती होती है. इट इज चीप इन कॉस्ट एंड उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है. मीन्स आपको इसे इजीली और सेफली कैरी करना होता है, सो दैट यू कैन मेंटेन द परमानेंट डेटा इन दिस काइंड ऑफ डिस्क. बट उसकी ये साइज जो है वो यहाँ पर दी गई है, सीडी रोम कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डेटा. ये कितना डेटा स्टोर कर पाती है? 700 MB तक इसके अंदर डेटा जो है वो आप स्टोर कर पाते हैं. राइट, सो फ्लॉपी डिस्क जो डिस्क आती थी उससे 3 गुना ज्यादा इसके अंदर डेटा स्टोर होता है. राइट, सो बेसिकली सीडी रोम इज नाउअडेज यूज्ड टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. बट उसकी मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी स्पीड थोड़ी कम है, कैपेसिटी थोड़ी कम है और उसकी कॉस्ट थोड़ी कम है. तो बेसिकली स्पीड जो है वो उसकी थोड़ी कम है, कैपेसिटी स्टोरेज की 700 MB जो है वो वैसे तो ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयरिंग विद द पेन ड्राइव द स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी लेस. बट उसकी कॉस्ट कम है, सो दैट यू कैन बाय इट इजीली. नाउअडेज दिस काइंड ऑफ सीडी अवेलेबल इन अ मार्केट अप टू 50 रुपीज, 15 रुपए में ही आपको जो है वो ऐसी सीडी बाजार में मिल जाएगी. और मोस्टली इस सीडी का यूज हम किसके लिए करते हैं? हमारे जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उस सॉफ्टवेयर को परमानेंटली हम इस सीडी के अंदर रखते हैं. अगर कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलना बंद हो गया या तो करप्ट हो गया, तो आप इस सीडी का यूज करके उस सॉफ्टवेयर को अगेन इंस्टॉल कर सकते हो. तो सीडी के अंदर हम जो है वो कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर को स्टोर करते हैं. तो सीडी रोम जो होती है वो दो टाइप में डिवाइडेड है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू टाइप ऑफ सीडी रोम. In which the first type of CD-ROM, which is known as CDR, that means compact disk recordable. R stands for recordable. तो इसका मतलब ये हुआ कि once data is written in this disk, it will not erased. एक बार इसके अंदर data आपने insert कर दिया, write कर दिया, so that after that you cannot delete or modify the data. आप उसके अंदर से data को modify नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, बट यू कैन रीड द डेटा मल्टीपल टाइम. आप उसके अंदर डेटा को रीड कर सकते हो. राइट, सो दिस काइंड ऑफ डिस्क विच इज नोन एज सीडी रोम, CDR. राइट, CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसके अंदर आप एक ही बार डेटा राइट कर सकते हो, दूसरी बार डेटा को सिर्फ आप रीड ही कर सकते हो. राइट, तो सेकेंड टाइप ऑफ सीडी रोम विच इज नोन एज CDRW. CDRW stands for Compact Disk Rewritable. You can see the full form over here. Full form is underlined over here, right? CDRW का मतलब क्या है? Compact Disk Rewritable. उसका मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर डेटा जब चाहो तब राइट कर सकते हो, जब चाहो तब रीड कर सकते हो,
और एक बार राइट करने के बाद इसके अंदर आप डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हो, डेटा को आप अगेन इरेज भी कर सकते हो, राइट। ये जो है वो आपको ये फुल्ली फैसिलिटी देता है, यू कैन मॉडिफाई द डेटा, यू कैन राइट द डेटा, यू कैन रीड द डेटा व्हेन एवर यू वॉन्ट। सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड विथ CDRW। CDR के अंदर क्या होगा, एक ही बार राइट कर सकते हो, उसके बाद मल्टीपल टाइम यू कैन रीड द डेटा बट यू आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई। CDRW के अंदर क्या कर सकते हो, यू कैन राइट द डेटा एनी टाइम, यू कैन रीड द डेटा एनी टाइम, यू कैन मॉडिफाई द डेटा और यू कैन री राइट द डेटा अगेन। सो यू विल हैव टू रिमेंबर इट्स फुल फॉर्म एंड इट्स यूज, राइट, जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। तो दिस इज अबाउट द CD। द फर्स्ट मेमोरी वी हैव कंप्यूटेड राइट नाउ दैट इज CD-ROM, उसके दो टाइप्स। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी विच इज नॉन एज DVD। DVD का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, दैट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नाउ DVD की रिक्वायरमेंट मेनली क्या थी, DVD जो है वो लार्ज मेमोरी आपको प्रोवाइड करती है, जबकि CD-ROM की मेमोरी की एक लिमिटेशन थी। CD-ROM कैन प्रोवाइड ओनली मेमोरी अप टू 700 MB। CD-ROM के अंदर कौन कितनी मेमोरी आती थी, 700 MB तक की ही मेमोरी की कैपेसिटी आती थी, राइट। स्टोरेज उसका कम था और उसके अंदर जो है ना आप बेसिकली जो भी प्रोसेसेस होती थी वो काफ़ी स्लो होती थी, इतना पावरफुल और इतनी स्पीडी प्रोसेस नहीं करती थी। तो यहाँ पर जो है वो एक नई डिश आई है जिसका नाम है DVD, जिसको आप DVD-ROM भी कह सकते हो। तो फुल फॉर्म ऑफ DVD-ROM इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क फॉर DVD, रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म ऑफ DVD-ROM दैट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, राइट। सो बेसिकली DVD जो है वो आपको 25 times मोर डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करती है एज कंपेयरिंग विथ CD-ROM। 25 गुना ज्यादा डेटा आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो DVD के अंदर आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, तो आप 4.7 GB तक का डेटा DVD के अंदर स्टोर कर सकते हो। ये फिगर आपको याद रखना है। CD के अंदर आप 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हो, DVD के अंदर आप 4.7 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। और जो भी डेटा इस DVD के अंदर स्टोर रहता है उसकी क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा बेटर है एज कंपेयरिंग विथ CD-ROM, राइट। सो यू विल गेट द बेटर क्वालिटी ऑफ योर डेटा इन साइड द DVD, राइट। सो दिस इज अबाउट द DVD, और DVD को बेसिकली प्ले करने के लिए यू नीड अ DVD-ROM ड्राइव इन योर कंप्यूटर। जैसे कि CD को प्ले करने के लिए कंप्यूटर के अंदर CD-ROM ड्राइव होनी चाहिए, DVD को प्ले करने के लिए DVD-ROM ड्राइव होनी चाहिए। और उसका दूसरा एक एक्सटर्नल प्लेयर भी आता है, जैसे कि सेटअप बॉक्स कैसे आता है TV का, वैसे ही अगर आपको TV के साथ किसी भी DVD को देखना हो तो यू विल हैव टू परचेज DVD प्लेयर। DVD प्लेयर के अंदर आप अपनी DVD इंसर्ट कर सकते हो और उससे आप कोई भी चीज आपके कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो। और DVD ROM ड्राइव जो है उसकी स्पीड 40x है, ये एक फिगर है 40x, राइट। एक्स का मतलब मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, एक्स का मतलब जो है वो उसका मेजरमेंट है, उसकी स्पीड है। सो दिस इज अबाउट द DVD-ROM, राइट। नाउ वी हैव सीन ऑल दिस टाइप ऑफ मेमोरी, इनिशियली वी हैव सीन द CD एंड इट्स टाइप, देन वी हैव सीन DVD एंड इट्स टाइप, राइट। दिस इज अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज दैट वी हैव डिस्कस। नाउ एक और स्पेसिफिक थिंग आती है जिसका नाम है जिप ड्राइव, दैट इज वन स्पेसिफिक ड्राइव विच इज नॉन एज अ जिप ड्राइव। नाउ जिप ड्राइव जो है उसका एक इमेज यहाँ पर फिगर नंबर 1.9 में दिया गया है। तो ये जिप ड्राइव जो है वो देखने में काफी स्मॉल है, राइट। तो इसकी साइज स्मॉल है, ये पोर्टेबल है, मीन्स आप इसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। और जिप ड्राइव का मेन यूज जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा आपने सेव किया है उसका बैकअप के तौर पर अगर आपको कॉपी लेना है तो आप इस जिप ड्राइव के अंदर इजीली ले सकते हैं, राइट। जिप ड्राइव जो है वो बेसिकली दो साइजेस में अवेलेबल है, वन दैट इज 100 MB, 100 MB के अंदर भी जिप ड्राइव आती है, और दूसरा दैट इज 250 MB, राइट। 250 MB में भी जिप ड्राइव आती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ जिप ड्राइव बेस्ड ऑन इट्स साइज, 100 MB तक का जिप ड्राइव
और 250 एमबी तक का जिप ड्राइव। नॉर्मली 100 एमबी तक का जिप ड्राइव जो है दैट मीन्स 70 फ्लॉपी डिस्क जितनी है, अगर आप 70 फ्लॉपी डिस्क ले लो उसको कंपेयर करोगे 70 फ्लॉपी डिस्क की टोटल साइज को, तो वैसा ही एक सिंगल जिप ड्राइव के अंदर आपको मेमोरी मिलेगी। तो इसकी मेमोरी काफ़ी हद तक अच्छी है, काफ़ी हद तक बेटर है। दूसरी जो है वो है उसके उससे ज़्यादा मेमोरी प्रोवाइड करती है, दैट इज 250 एमबी तक की मेमोरी प्रोवाइड करती है। और बेसिकली जिप ड्राइव का जो यूज होता है वो क्या होता है कि जिप ड्राइव के अंदर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, और सॉफ्टवेयर की मदद से वो क्या करता है आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा है उस डेटा को एज अ बैकअप वो स्टोर करता है अपने अंदर। मतलब कि क्या होगा कि अगर कई समय तक आपने कंप्यूटर को यूज किया है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने आपको सेव करनी है वो आपने सेव की है, अभी क्या होता है कि अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपका कंप्यूटर चलना बंद हो गया तो आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, या तो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई या तो फेल हो गई, तो आप जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर का डेटा भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा है ना उस डेटा को इस जिप ड्राइव के अंदर एज अ बैकअप कॉपी कर लेना है। तो वंस द डेटा इज अवेलेबल इन अ जिप ड्राइव और अगर आपका कंप्यूटर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो वो डेटा आप दूसरे कंप्यूटर में इस ड्राइव को कनेक्ट कर इजीली कलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली जिप ड्राइव विल प्रोवाइड यू द बैकअप फैसिलिटी सो दैट योर डेटा इज रिमेन्स एज इट इज। गेटिंग, दिस इज अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज। सो आज के लेक्चर में हमने सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया। सेकेंडरी स्टोरेज में हमने क्या क्या देखा, सीडी रोम और डीवीडी। सीडी रोम दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर उसके दो टाइप्स है, दैट इज CDR एंड CDRW। CDR मीन्स CD रिकॉर्डेबल एंड CDRW मीन्स CD रीराइटेबल। उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाई गई है, आपको ये सभी चीज जो है ना वो पॉज कर एक बार ध्यान से रीड करना है। देन वी हैव सीन द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, दैट इज DVD, दैट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, राइट। आफ्टर दैट एट लास्ट वी हैव सीन द लास्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, दैट इज जिप ड्राइव, दैट इज यूज फॉर द बैकअप। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जैसे कि हमारी लैंग्वेज हम हिंदी गुजराती इंग्लिश, दिस इज अवर लैंग्वेज। सो कंप्यूटर हैविंग इट्स ऑन लैंग्वेज, सो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।